हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेवंथ लेक्चर है जिसके अंदर मैंने आपको कल बोला था कि आज हम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के कुछ टिपिकल सम्स है वो आज हम सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर है आज का। क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन है सेक्शन एक्सरसाइज टू का क्वेश्चन है सेक्शन एफ के अंदर नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन फॉर द टू वेरिएबल्स इन्फ्लेशन एक्स एंड इंटरेस्ट रेट वाई। इन्फ्लेशन एक्स पे दिया है और उसका इंटरेस्ट रेट है वो वाई पे दिया है। डेटा हमको दिया है एन इक्वल टू 50, सिग्मा एक्स 500, सिग्मा वाई 300, सिग्मा एक्स स्क्वायर 5450, सिग्मा वाई स्क्वायर 2000, एक्स वाई दिया 3090। देखने से हमको लग रहा है ये शॉर्ट सम है, पर है शॉर्ट सम, पर शॉर्ट सम के अंदर कुछ लॉजिकल टॉपिक्स दिए हुए, हमको करेक्शन करने हैं। क्या करेक्शन करना है देखें अभी। लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 and 6 was included additionally by mistake. Find the correlation coefficient by the excluding this pair of observation. अभी हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको जो एक पेयर है ऑब्जर्वेशन का 10 एंड 16 वो एडिशनली एड करके दे दिया है, उसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है, और फिर से हमको क्या करना है, कोरिलेशन कोफिशियंट हमको फाइंड करना है। जैसे ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, ये पेयर है ऑब्जर्वेशन का, वो बाय चांस इंक्लीज एड हो गया है, उसको हमको रिमूव करना है और फिर से हमको कोरिलेशन निकालना है। तो ये पेयर है ऑब्जर्वेशन का, यानी फर्स्ट होगा वो क्या होगा x एंड सेकंड होगा वो क्या होगा y। जो फर्स्ट टर्म है वो x का पेयर होगा, x x का टर्म होगा, और जो सेकंड नंबर टर्म है वो क्या है, y का टर्म है। अभी हम स्टार्ट करें सॉल्यूशन। पहले जो डेटा दिया हमने लिख दिया, जो वन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 और 6 वो क्या है, इंक्लूड हो गया एडिशनली, उसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसको हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालना है। तो नया डेटा किस तरीके से होगा, एन हमको दिया होता 50, 50 में से एक ऑब्जर्वेशन, एक पेयर का पूरा ऑब्जर्वेशन निकल गया, तो अभी कितने ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे पास, 49 ऑब्जर्वेशन। देन आफ्टर सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स कितना दिया है 500, सिग्मा एक्स कितना दिया था 500, 500 में से कौन सी गलत ऑब्जर्वेशन ऐड हो गई थी, बाय चांस 10th वाली ऑब्जर्वेशन, 10 नंबर 10 ऑब्जर्वेशन मिस्टेक से ऐड हो गई थी। तो 500 में से 10 ऑब्जर्वेशन वाली, 10 जो 10 वाली ऑब्जर्वेशन थी वो क्या की माइनस, तो नया ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है सिग्मा एक्स का 490, सिग्मा वाई 300 दिया हुआ है, सिग्मा वाई 300 दिया हुआ है, उसमें हमको हमारी कौन सी ऑब्जर्वेशन गलत ऐड हो गई है, सिक्स नंबर सिक्स ऑब्जर्वेशन गलत ऐड हो गई है, वो माइनस किया तो नया क्या आया 294। इस तरीके से सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या दिया है 5450, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या दिया है 5450, उसमें एक्स का स्क्वायर क्या किया माइनस, जो हमारा x था उसमें से x स्क्वायर क्या किया मैंने माइनस, यानी x का स्क्वायर किया तो क्या आया 100, यानी 5450 माइनस 100 यानी कितना आया 5350। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना था 2000, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना था 2000, 2000 में से 6 का स्क्वायर, y क्या था हमारा 6, तो y का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हमने क्या किया माइनस, तो हमारा आंसर आया 1964, हमारा आंसर आया 1964। इस तरीके से सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई क्या दिया है 3090, 3090 में से क्या माइनस करेंगे एक्स वाई, यानी एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स था हमारा 10 और वाई है हमारा 6, यानी 10 मल्टीप्लाई 6 क्या आया 60, तो 3090 में से 60 माइनस किया तो क्या आया 3030। इस तरीके से ये हमारे ऑब्जर्वेशन हुए, ये हमारे हम पूरा डेटा हम क्या कर देंगे, जैसे हमने ऑब्जर्वेशन दी थी सिग्मा एक्स इक्वल टू 490, सिग्मा वाई इक्वल टू 294, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5350, सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1964, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 3050, एन इक्वल टू 49। इस तरीके से जो हमारी कोरिलेशन कोफिशिएंट की फॉर्मूला अप्लाई होगी वो क्या है, आर इक्वल टू एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला के अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी, एन 49 था, सिग्मा एक्स वाई 3030, सिग्मा एक्स था 490, सिग्मा वाई था 294, नीचे एन 49, सिग्मा एक्स स्क्वायर 5350, 490 का स्क्वायर 49 इंटू 1964 एन 294 का स्क्वायर। हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दिए, मल्टीप्लीकेशंस कर दिए, मल्टीप्लीकेशंस करने के बाद हमने क्या किया, वैल्यू को माइनस किया, 148470 में से 144060 गया तो क्या आया 4410, 262150 माइनस 240100 किया तो आंसर आया 22050, 96326 माइनस 86436 किया तो क्या आया 9800। अभी इन दोनों को क्या करेंगे, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे,
दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया, ये आया, देन आफ्टर क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाला, देन आफ्टर लास्ट लास्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या आया 0.3, आर क्या आया हमारा 0.3। इस तरीके से समता सिंपल है, सिर्फ हमको वैल्यूज री वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना है, बाकी तो वही है जैसे लॉन्ग सम में जो फॉर्मूला अप्लाई हो रही थी वही, सिर्फ जो ऑब्जर्वेशंस का डेटा हमको स्टार्टिंग में दिया हुआ है थोड़ा गलत दिया हुआ है उसको हमको करेक्ट करना है और उसको हमको सॉल्व करना है। इस तरीके से नेक्स्ट सम में उस पर चले हम, सेकंड सम में वो भी एक्सरसाइज 2 को बिलोंग करता है, सेक्शन एफ को, क्वेश्चन नंबर 10, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल्स एंड द एक्सपेंस वाई ऑफ 10 फर्म्स इज गिवन बिलो, x बार 58, y बार 14, x माइनस 65 का स्क्वायर 850, सिग्मा y माइनस 13 का स्क्वायर 32, सिग्मा x माइनस 65, y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमको डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर हमको सेल्स का रिप्रेजेंटेशन दिया है और एक्सपेंस का रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसको हमको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे हमको देख रहे हैं ये जो है वैल्यूज है ये x बार और y, x माइनस x बार और y माइनस y बार नहीं दिया हुआ है, क्यों? यहाँ पे x बार क्या है हमारा 58 जबकि यहाँ पे क्या है 65, यहाँ पे y बार कितना है हमारा 14 और यहाँ पे वैल्यू क्या है 13। यानी इस तरीके से हमको पता चल रहा है जो ये वैल्यूज है वो सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर और सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर तो नहीं है, यानी ये क्या होगा सिग्मा u और सिग्मा v स्क्वायर, सिग्मा u का स्क्वायर सिग्मा v का स्क्वायर, ऐसे कैसे फ्रेंड्स? तो u की फॉर्मूला क्या होती है x माइनस a और v की फॉर्मूला क्या होती है y माइनस c। इस तरीके से जैसे कोई भी एक अज्यूम्ड वैल्यू हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, कोई भी एक अज्यूम वैल्यू हम क्या करते हैं x में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया वही एक अज्यूम वैल्यू हमने क्या किया माइनस की है। तो अभी यहाँ पे हमको सिग्मा u स्क्वायर दिया है, सिग्मा v स्क्वायर दिया है और सिग्मा u v दिया है, अभी हमको फाइन क्या करना है सिग्मा u फाइन करना है और सिग्मा v फाइन करना है। जैसे हम फाइन करें अभी तो डेटा जो दिया हुआ है पहले डेटा हमने लिख दिया, तो अभी u इक्वल टू क्या होगा x माइनस 65, u इक्वल टू क्या होगा x माइनस 65 एंड v इक्वल टू क्या होगा y माइनस 13, v इक्वल टू क्या होगा y माइनस 13। अभी हमको निकालना है सिग्मा u स्क्वायर, व्हाट इज मीन बाय सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल, सिग्मा का मतलब क्या होता था टोटल, सिग्मा का मतलब क्या होता है टोटल। अभी हमको x बार तो दे दिया तो x बार के साथ हमने क्या कर दिया n को मल्टीप्लाई कर दिया तो सिग्मा x मिल गया, सिग्मा x हमको फाइंड करना होता तो फॉर्मूला क्या होती है x बार की फॉर्मूला क्या होती है सिग्मा x अपॉन n, x बार की फॉर्मूला क्या होती है सिग्मा x अपॉन n। अभी यही हमको क्या दिए n दे दिया x बार दे दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको सिग्मा x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा सिग्मा x। इसी तरीके से n को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया 65 के साथ मल्टीप्लाई किया, n को किससे मल्टीप्लाई किया 65 के साथ, तो 10 into 58 और 10 into 65, 10 into 58 क्या हुआ 580, 10 into 65 क्या हुआ 650, माइनस किया सिग्मा u क्या मिला हमको माइनस 70, माइनस किया तो सिग्मा u हमको क्या मिला माइनस 70। इस तरीके से ही हम क्या फाइंड करेंगे सिग्मा v भी हम फाइंड करेंगे, तो सिग्मा v के लिए क्या करेंगे n into y bar माइनस n into 13, n into y bar माइनस n into 13, सिग्मा v इक्वल टू 10 into 14 माइनस 10 into 13, तो सिग्मा v इक्वल टू क्या हुआ 140 माइनस 130, यानी सिग्मा v हमको क्या मिला 10, सिग्मा u स्क्वायर हमको एज इट इज दिया हुआ है, सिग्मा v स्क्वायर दिया है, सिग्मा u v दिया हुआ है। हमको जो फॉर्मूला में वैल्यूज अप्लाई करनी थी वो हमको सब वैल्यूज की सब की सब वैल्यूज हमको क्या हो गई मिल गई। अभी हमको क्या करना है ये वैल्यूज को कॉपी कर देना है, ये वैल्यूज को हम कॉपी कर लेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। जैसे हमने सब वैल्यूज नोट डाउन कर दी, सब वैल्यूज हमने नोट डाउन कर दी, अभी अकॉर्डिंग टू वैल्यूज हमको क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये वैल्यूज हमको वैल्यूज को हमने फॉर्मूला में रखा, n की जगह 10, सिग्मा u v की जगह 0, सिग्मा u की जगह माइनस 70, सिग्मा v की जगह 10, n की जगह 10, सिग्मा u स्क्वायर की जगह 850, सिग्मा u स्क्वायर u का होल स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, n सिग्मा v स्क्वायर n की जगह 10, सिग्मा v स्क्वायर की जगह 32, सिग्मा v द होल स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर। वैल्यूज रखी माइनस 70 इंटू 10 700 माइनस माइनस प्लस, यानी 10 प्लस 710 माइनस किया 3600 या माइनस किया ये 220, दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, देन आफ्टर उसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया 889.94।
देयरफॉर आर इक्वल टू क्या आया 0.79। इस तरीके से ये हमारा आंसर निकला। आज का लेक्चर जो था, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, हमारे सब टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आपको जो मैंने अभी तक के होमवर्क समझ दिए थे उसमें से आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में मैंने चैप्टर की पीडीएफ लिंक भी मैंने आपको डाउनलोड कर दी थी। आपको टेक्स्ट बुक आपके अवेलेबल नहीं हो तो आप चैप्टर की पीडीएफ लिंक से भी आगे के नेक्स्ट दूसरे जो रिमेनिंग सम्स हैं एक्सरसाइज के सम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी आपको कुछ क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स लिखना नहीं भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट न्यू वीडियोस अप टू डेट मिलते रहे, ताकि आप अपना कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ बी एट सेफ एंड बी एट होम एंड प्लीज़ बी सेफ। थैंक यू।